मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुलजमान पर एक बार फिर से फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्दे जुर्म के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। आसिफ जरदारी के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम कराची में था, जबकि फरियाल तालपुर को जाती हैसियत में तलब किया गया था। मुलजिमान के वकील फारूक नाइक और लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। अदालत में फरियाल तालपुर की तरफ से इस्तीफे की दरखास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि प्ली बार्गेन का क्या मामला है, कंफर्म कर दे ताकि आइंदा समाअत पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि केस में शरीक एक मुलजिम की जानिब से प्ली बार्गेन का मामला चल रहा है। मुलजिम ने प्ली बार्गेन में जमीन के कागजात दिए हैं, जिसकी तस्दीक में वक्त लग सकता है। जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स में कहा कि एक मुलजिम की प्ली बार्गेन मुकम्मल होने से पहले फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, नैब ने एक मुलजिम की प्ली बार्गेन की रिपोर्ट अदालत में जमा करवानी थी। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुलजिमान पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी और फरियाल तालपुर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी।